रहने वाला हालत से नहीं उतर रहा। इतनी इज्जत भी हुई है मेरे जानने वालों के सामने में, कोई समझने वाला नहीं थी इस बार। मुझे एहसास है तुम्हारी बेइज्जती का, मैं इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्लास लिया नहीं की? अभी उसे ही डांट कर आ रहा हूं, अभी अभी। झूठ बोल रहे हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा, जितनी बदतमीज है वो, अगर डांटा होता उसे तुमने तो घर में हंगामा खड़ा हुआ होता अभी। क्यों हंगामा करेगी वो, बाप हूं मैं उसका, मजाल मेरे सामने कुछ बोले। मैं डांटता रहा और वो खामोशी से सुनती रही। अच्छा, डांटा है उसे तुमने? हाँ। ठीक है, तो उससे कहो ना कि मेरे साथ चल के माफी मांगे उन लोगों से। ये तो अब नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि बीवी की तो कोई इज्जत है ही नहीं, बेटी की इज्जत प्यारी है बस। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि तुम इस मामले को खत्म कर दो, कुछ अरसे बाद एमन के लिए कोई और रिश्ता तलाश कर लेना। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने तो थूकना भी नहीं है ना अब उस घर पे, कोई ऐरे गए लोग नहीं है वो। मैं बस ये चाह रही थी कि मेरे जानने वाले उनके सामने में तू इज्जत रह जाए बस। और अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम जाने दो इस बात को, रफा दफा करो, मैं कुछ अरसे में एनी को तैयार कर लूंगा, वो चल के माफी मांग ले, ठीक है? तुम लो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तुम ये लो खा लो। क्या दूं, सेब? कुछ खाया जाएगा मुझसे, डॉक्टर ने मना किया है ना गुस्सा करने से, भूखा रहने से। इधर तो देखो, ये खा लो ना प्लीज।